हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत एक इंग्लिश स्पोकन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ना, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपकी मदद करती है तो वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिससे आपको एहसास हो जाए कि हाँ, हम कुछ विशेष कंजक्शन को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपकी मदद करता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं पूरे कंजक्शन को एक ही वीडियो में सारा का सारा आपके सामने लेकर आ सकूं। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल पे आकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन इंपॉर्टेंट कंजक्शन में आता है एज वेल एज, के साथ साथ। इसमें दो क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तब इसका उपयोग करते हैं। शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज वाइज, वो खूबसूरत है, खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान है। आई हैव एन इंडिका कार एज वेल एज मारुति 800, मेरे पास इंडिका कार होने के साथ साथ मारुति 800 कार भी है। आप इस पैकेज सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप जरूर बना पाएंगे। इसी कड़ी में अगला नंबर है एंड का, इसका मतलब होता है और। आई एंड मोनिका सेंड मैसेजेस टू ईच अदर, मैं और मोनिका एक दूसरे को मैसेज करते हैं। अगला नंबर है बट, लेकिन मगर। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, सी केम लेट बट आई रीच्ड इन टाइम। बट का उपयोग हमेशा दो सेंटेंसेस को नकारात्मक कहना चाहिए, या ये कहें कि दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के हेल्प ना करते, यानी कि वह ये कहें, पहला क्वेश्चन ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह टाइम पे नहीं आई लेकिन मैं समय पर पहुंच गया। आप सेंटेंस बनाने की कोशिश किया, जरूर बनेगा। अगला नंबर है टू। आई एम अ टीचर एंड अ पब्लिशर टू, मैं एक शिक्षक भी हूँ और मैं एक पब्लिशर भी हूँ। धोनी इज अ गुड क्रिकेटर एंड बिग ब्रांड एम्बेसडर टू, यानी कि धोनी एक अच्छा क्रिकेटर भी है और एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। इफ, यदि, अगर। If you like, you can take it. अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे ले सकते हो। If I promise, I keep to it. अगर वादा करता हूँ मैं तो मैं इसे पूरा करता हूँ। Unless, अगर नहीं, यदि नहीं। Unless you work hard, you will not pass. अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे। Until, जब तक नहीं। Until I see it carefully, I will not take decision. जब तक मैं इसे सावधानी से नहीं देख लेता मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। You should wait here until I return. तुम्हें यहाँ वेट करना चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। As long as, जब तक। As long as there is a life, there is a hope. जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। As long as I am here, you should not have any fear. जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लड़खड़ा जाओ। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड का यूज किया जाता है। अदरवाइज, अन्यथा, वरना। बिहेव योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल शो यू द डोर, अपना व्यवहार सही रखो वरना मैं तुम्हें दरवाजा दिखा सकता हूँ। डोंट मूव अदरवाइज आई विल शूट यू, हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये एक प्रकार की चेतावनी के लिए उपयोग किया जाता है अदरवाइज। सो देट, इतना कि, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। पहले वेरी हटाकर हम सो का उपयोग करते हैं और दूसरे सेंटेंस से पहले हम दैट का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस, आई एम सो रिच देन आई कैन परचेस अ होंडा सिटी कार, मैं इतना अमीर हूँ कि मैं होंडा सिटी कार खरीद सकता हूँ। दूसरा प्रश्न है, इट इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, इट इज सो हैवी, यह इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता।